अने कहा मैडम प्रिंसिपल को बताओ कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे रघुपति राघव राजा राम। इंप्रेसिव। आप पोएम सुनाओ अने कहा। गहन सघन मनमोहक वंतरो मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो आते मैंने याद मुझे वह आते हैं। अभी कहां आराम बदा यह मुख निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलो मुझको चलना है, अरे अभी तो सोने से पहले मुझको मीलो चलना है। लोगों को शायद समझ नहीं आया होगा अनिका ने क्या कहा। हिंदी में बात कर रही थी, मैं आपको समझाता हूं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यही तो समझ आया होगा आपको। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वेरी इंग्लिश। इसी का अनुवाद श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है हिंदी में, मातृभाषा। आपको नहीं पता हो हरिवंश राय बच्चन जी कौन है तो मैं आएगा। मिस्टर ओबेरॉय, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, पूछना चाहता हूं आपसे, हमारी मातृभाषा हिंदी है या इंग्लिश? हिंदी या इंग्लिश? हाँ, हिंदी, राइट? फिर क्यों हिंदी बोलने वालों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ नहीं सकते? पढ़ना बच्चों को है, पढ़ाना आप टीचर्स को है, फिर क्यों हम पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है? क्या हिंदी बोलने वाले माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर के सपने नहीं देख सकते? क्या उनका अच्छे इंस्टीट्यूट्स में दाखिला नहीं करवा सकते? आप तो टीचर है ना। टीचर मतलब शक्ति, टीचर मतलब विद्या, आप ताकत है। आप इस देश के फ्यूचर को और बेहतर बना सकती हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे बच्चों के आगे लैंग्वेज बैरियर्स खड़े कर रहे हैं। इससे इस देश का क्या होगा, आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा? अगर सवाल यह है कि बच्चों का एडमिशन किस बेसिस पे किया जाए, मैं कहता हूं ग्रेड्स पर किया जाए। कीजिए ग्रेड्स पर, और साहिल के ग्रेड्स आपके सामने वहां टेबल पर पड़े हैं। एक काम करता हूं, आई विल मेक इट क्लियर फॉर यू। सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यह है साहिल के ग्रेड्स, प्लीज पढ़ लीजिए। इंग्लिश में लिखा है, क्या मार्क्स मिले हैं उसे इंग्लिश में? 99%। कम है 99%? कम है। और पता है साहिल कौन है? आई विल टेल यू। साहिल अनिका का भाई है। वो अनिका जिसे इंग्लिश नहीं आती। चेयरमैन सर, अगर अनिका को इंग्लिश नहीं आती तो आपके स्कूल की प्रिंसिपल को हिंदी नहीं आती, फिर किस हक से इन्होंने मेरी बीवी की इंसल्ट की, जानना चाहूंगा मैं आपसे। आपको पता है अगर मैं चाहूं तो इस मैटर को मीडिया में ले जा सकता हूं, मैं चाहूं तो स्कूल को बंद करवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि ये स्कूल सिर्फ आपका नहीं है, ये स्कूल उन हजारों बच्चों का है जो यहां पढ़ते हैं, ये स्कूल मुझ जैसे एक्स स्टूडेंट्स का है जो यहां पढ़ चुके हैं, स्कूल मेरा है। यही प्रॉब्लम है हमारे देश की, हमने इस देश में इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं एक क्लास बैरियर बना दिया है। अगर हम खुद अपनी मातृभाषा का आदर नहीं कर सकते तो फिर बाकी दुनिया से क्या उम्मीद रख सकते हैं? हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए, और वैसे ही हिंदी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, हिंदी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। यू नो व्हाट सर चेयरमैन, मैं और अनिका हमारे भाई साहिल को इस स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस स्कूल में टीचर्स को हिंदी नहीं आती। चलो अनिका। मिस्टर ओबेरॉय, एक मिनट प्लीज। सबसे पहले तो मैं
मिसेस रायचंद के बिहाफ पे आपसे माफी मांगता हूँ और मैनेजमेंट के बिहाफ पे आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ जो आपने इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें बताया। यू आर राइट मिस्टर ओबेरॉय, एंड आई विल मेक श्योर कि इन फ्यूचर हमारे स्कूल में पेरेंट्स और उसके बच्चों को लैंग्वेज के बेस पे कभी जज नहीं करेगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर ओबेरॉय कि आप साहिल का एडमिशन हमारे स्कूल में ही कराएं। बट सर, यू ऑल्सो मेक श्योर मिसेस रायचंद कि आज के बाद से हमारा स्कूल पेरेंट्स की नहीं बच्चों की काबिलियत देखेगा। What is काबिलियत? मैं आपको बताती हूँ। काबिलियत मतलब एबिलिटी। वैसे बहुत अच्छा सबक सिखाया आपने उस अंग्रेजी मेल को। वैसे एक सबक तुमको भी मिला है आज। मुझे सबक क्या? तुम जो हो, जैसी हो, किसी से कम नहीं हो आने का। तुम खिड़की तोड़ थी, हो और हमेशा रहोगे। फिर चाहे तुम हिंदी में बोलो या इंग्लिश में। Did you get it? I mean, समझ आया? I get it. I got it. it. Yay!